नंबर 5, प्रैक्टिस सेट 1.1। ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या दिया है देखो, इन ट्रेंगल ए बी सी देखो, या फिर पी क्यू परपेंडिकुलर टू बी सी और ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ये दोनों चीज़ हमें दी है। और क्या पूछा है, पूछा है फाइंड रेशियो, विच रेशियो दिस फोर रेशियोज। सो लेट्स टेक अ फर्स्ट रेशियो, व्हाट इज दिस, एरिया ट्रेंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ट्रेंगल पी बी सी। फर्स्ट रेशियो एरिया ट्रायंगल पी क्यू बी अपॉन एरिया ट्रायंगल पी बी सी। तो पी क्यू बी ट्रायंगल कौन सा है, देखिए ये पी क्यू और बी, मतलब ये अभी हम देखते हैं इसमें। तो इसमें क्या है, बी क्यू बेस है और हाइट है पी क्यू। दूसरा ट्रायंगल जो है ट्रायंगल बी पी बी सी, ट्रायंगल पी बी सी मतलब ये ट्रायंगल पी बी सी, ये तीनों वर्टाइसेस, तो ऐसा आएगा वो ट्रायंगल पी बी सी। तो पी बी सी में बेस है बी सी और हाइट है पी क्यू, मतलब पी क्यू बी में हाइट कौन सी है पी क्यू, और पी बी सी ट्रायंगल में भी हाइट है पी क्यू, मतलब ये जो ट्रायंगल है ये दोनों कैसे है, सेम हाइट वाले हैं। ओके, तो जब हाइट सेम होती है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, इनका रेशियो, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव बेसिस। सो पी क्यू बी का बेस कौन सा है, बी क्यू, और ट्रायंगल पी बी सी का बेस है बी सी। इसके आगे लिखेंगे हम सेम हाइट, इन दोनों की हाइट सेम है तो ये रेशियो हमें मिल गया। सेकंड, एरिया ट्रायंगल पी बी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल ए बी सी। भी पी बी सी मतलब वही सेम ट्रायंगल है पी बी सी और ए बी सी, ए बी सी, तो ये जो बी सी बेस दिख रहा है ये दोनों में सेम है, बी सी और इसका भी बेस बी सी, मतलब डिफरेंट क्या है, हाइट है। जब बेस सेम होता है तो रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू रेशियो ऑफ देयर हाइट। सो पी बी सी की हाइट है पी बी सी, इसकी हाइट है पी क्यू, और ए बी सी ट्रायंगल क्या हाइट है, ए डी। इसके आगे लिखेंगे सेम हाइट। ओके, देन थर्ड, एरिया ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल ए डी सी। तो ये जो ए बी सी है ये दिख रहा है अभी आपको, ए बी सी यह ट्रायंगल, और ए डी सी मतलब यह ट्रायंगल ए डी सी। तो ए बी सी में जो हाइट है वो है ए डी, और ए डी सी की जो हाइट है वह भी है ए डी। ए बी सी ट्रायंगल की हाइट है ए डी और ए डी सी ट्रायंगल की हाइट है हाइट सेम, हाइट सेम है तो बेस का रेशियो लेंगे, ए बी सी का बेस हो गया बी सी और ए डी सी का बेस हो गया डी सी। इसके आगे लिखेंगे हम सेम हाइट। और लास्ट जो फोर्थ है वह है एरिया ट्रायंगल ए डी सी अपॉन एरिया ट्रायंगल पी क्यू सी। तो इसमें क्या दिया है, ए डी सी देखिए, ए डी सी यह ट्रायंगल और पी क्यू सी, पी क्यू सी यह ट्रायंगल। अब ये दोनों में देखा जाए तो पी क्यू सी की हाइट आएगी पी क्यू और बेस है क्यू सी, और ए डी सी की हाइट आएगी डी सी और बेस है ए डी, मतलब हाइट और बेस दोनों डिफरेंट है। तो इस केस में क्या करते हैं, हाइट और बेस का प्रोडक्ट ले लेते हैं, ए डी सी की हाइट ए डी सी, हाइट ए डी और बेस डी सी, मतलब इसका आएगा डी सी इंटू ए डी। और जो पी क्यू सी ट्रायंगल है पी क्यू सी, इसका बेस है क्यू सी और हाइट है पी क्यू। ओके, डिफरेंट हाइट और डिफरेंट बेस। तो इस प्रकार हम चारों रेशियो ये निकाल सकते हैं।